आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओबीसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा माहौल हमने देख लिया, आज TET का इम्तिहान में पेपर लीक हो गया। मगर मैं भारत के मुसलमानों से और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, उत्तर प्रदेश के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि CAA कानून के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। इस कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना है। जैसा किसानों के एहतजाज पर मोदी ने उन किसान कानून को वापस लिया, ये कानून भी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। मगर जब मैं इस बात का मुतालबा करता हूं, पूरी पार्लियामेंट में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भारत के मुसलमानों की आवाज बनकर उनका नुमाइंदा बनने की कोशिश करते हुए मैं और इम्तियाज जलील ने इस कानून को BJP के 300 MP के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था, ओवैसी भी इस कानून को फाड़ता है, इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। कहां थी समाजवादी, कहां थी कांग्रेस, जब हमारा कानून हमारे खिलाफ बनता है तो खाली जुमले बोलकर बैठ जाते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस लिया गया, CAA, NRC, NPR को भी बंद होना चाहिए। अगर याद रखो मेरी इस बात को, अगर CAA, NPR, NRC होगा तो जिस तरह आसाम में 1.5 लाख मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोर्ट को, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बात पर भी गौर करिए, मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और उतरोला के आने वाले इंतखाबात में मनलिस के उम्मीदवार याद करिए।